हाय दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो के तहत हम बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी के टॉप 10 MCQ अटेम्प्ट करने वाले हैं, जो दोस्तों एग्जिट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, बिना देरी किए जल्दी से वो टॉप 10 MCQ देख लेते हैं बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी के। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, द टर्म बायोकेमिस्ट्री वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई कार्ल न्यूबर्ग इन। तो दोस्तों, जो टर्म है बायोकेमिस्ट्री, उसे कार्ल न्यूबर्ग ने इंट्रोड्यूस किया था। तो दोस्तों, कब किया था, कौन सी सन में किया था, वो आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1903, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आप देख सकते हैं 1903 में वह टर्म दिया था कार्ल न्यूबर्ग ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, आप देख सकते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू फार्मास्यूटिकल्स, ड्रग्स, कंपाउंड्स, केमिकल एंटिटीज हैविंग थेरापीटिक वैल्यू ETC। तो दोस्तों, कौन रिलेट करता है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो होती है दोस्तों फार्मास्यूटिकल बायोकेमिस्ट्री, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थ्री, तो द अमीनो एसिड मोनोमर्स आर जॉइंड टुगेदर बाई। तो दोस्तों, जो अमीनो एसिड मोनोमर्स हैं, वो किसके द्वारा जुड़े हुए होते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा, परपेचुअल बॉन्ड्स, या कोवालेंट बॉन्ड्स, या पेप्टाइड बॉन्ड्स। तो दोस्तों, आप सभी जानते होंगे, वो होती हैं दोस्तों पेप्टाइड बॉन्ड्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, जो अमीनो एसिड हैं, वो पेप्टाइड बॉन्ड्स से मिलकर बने होते हैं। द DNA स्टैंड्स फॉर, तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है DNA की, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फाइव, इसमें क्या पूछा गया है, ईच अमीनो एसिड रेसिड्यू इज प्रेजेंट एट अ डिस्टेंस ऑफ, कितनी डिस्टेंस होती है दोस्तों, 0.11 nm, 0.25 nm, 0.15 nm, या 0.35 nm। दोस्तों, NM का मतलब होता है नैनोमीटर। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.15 nm इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सिक्स, द हेयर प्रोटीन इज। दोस्तों, जो हमारे बाल होते हैं, उनमें कौन सी प्रोटीन होती है, ये आपसे पूछा गया है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं, उसमें क्रिएटिन प्रोटीन होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सुक्रोज इज, दोस्तों सुक्रोज क्या है, सुक्रोज दोस्तों कैसी सैक्राइड होती है। दोस्तों, वो होती है दोस्तों डाइसैक्राइड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में आप देख सकते हैं दोस्तों डाइसैक्राइड होती है। क्या होती है दोस्तों, सुक्रोज इज अ डाइसैक्राइड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर एट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स वाटर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स वाटर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में आप देख सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नाइन, द रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ प्रोटीन्स आर, द रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ प्रोटीन्स आर, तो ग्लूकोज यूनिट्स, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, या पेप्टाइड्स। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अमीनो एसिड्स इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, द हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इज। दोस्तों, जो वेपोराइजेशन की हीट होती है वाटर की, कितनी होती है, वो आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2260 J/g, यानी 2260 J/g, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो दोस्तों वाटर की हीट ऑफ वेपोराइजेशन होती है। तो दोस्तों, इसके तहत हमने टॉप 10 MCQ कंप्लीट कर लिए हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।